भाई कैसी जगह है, मजा आ रहा है? हम चाहते हैं कुछ नया, तभी अब हम यहाँ आए हैं। आपको आगे देखिए, और कुछ ज़्यादा गहरी भी नहीं है, लेकिन गिरे तो काफ़ी चोट आने वाली है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई जगह का व्लॉग शूट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं एक नई जगह। बहुत मेहनत के साथ यहाँ पहुँचे हैं, आपको मैं रास्ता भी दिखा दूँगा आगे वीडियो में, और जहाँ पर मैं आया हूँ मैं आपको वो जगह भी दिखाऊँगा। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, जिस झरने का नाम है लदवागाड़ फॉल है, बहुत ऊंचाई से गिरता है, और ये बहुत अच्छा व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके लिए अभी हम रास्ते में हैं, अंदर जा कर के आपको दिखाएंगे और रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसा रास्ता है, आप किस तरह से जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, और कितना डिस्टेंस है वो भी आपको दिखाएंगे। अंदर जाकर बस बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का वीडियो शूट करके, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सो गाइस, ये रास्ता जाता है फॉल की तरफ, और इसकी पहचान यही है कि आगे मंदिर है, मंदिर से पहले ही आपको कटना है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और सब सूचना का, तो इसमें जंगल की तरफ थोड़ा जाना है हमें आगे, थोड़ा आगे का रास्ता हम दिखाते हैं। अभी आगे का रास्ता भी ऐसे ही दिखाएंगे। ये थोड़ा जंगल का इलाका है, यहाँ पर सब तरफ जंगल ही है, लेकिन अंदर जो वो फॉल है वो वाकई में बहुत बेहतरीन नज़ारा है उसका। लेकिन बाइकों से अगर आप लोग आ रहे हैं तो फ्रेंडों के साथ इतना मस्ती से यहाँ आसानी से आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा ही लोगों के साथ आए क्योंकि जंगल का इलाका है, थोड़ा सेफ रहेगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी बाइकें भी खड़ी हैं, तो यहाँ ज़्यादा यहाँ के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। उत्तराखंड की ये जगह है, हल्द्वानी रोड से अंदर को, रामनगर और हल्द्वानी रोड जो है उससे थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। आ तो गए यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर मूवी शूट करने आ रहा हूँ मैं। जंगल का सीन है पूरा और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अभी मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा और, देख सकते हैं रास्ता इतना ख़तरनाक है, दिखाता हूँ मैं भी। यहीं से डर लग रहा, कहीं पैर नीचे ना स्लिप हो जाए, इतना ख़तरनाक रास्ता है बना हुआ है, और सीधा जंगल के अंदर की तरफ से निकल करके जाना है। बहुत टफ लग रहा है, लेकिन वीडियो बनानी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, इसलिए लगे रहते हैं, करते हैं मज़े, थोड़ी मेहनत करते हैं। जंगल में झाड़ियों के बीच से निकलना बड़ा ही मुश्किल काम, लेकिन मिशन पॉसिबल करना है, मिशन जंगल पॉसिबल, थोड़ी मेहनत थोड़ी कोशिश और अपने मिशन की तरफ, और जिस होल पर जा रहे हैं उसका व्यू देखने में मज़ा आ जाएगा, पहुंच करके दिखाएंगे।
कितनी खुशी होगी वहाँ पहुँच करके, अभी पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद। तो बने रहिए अभी वीडियो में आगे, और बिना स्किप किए दिखाते हैं हम आपको आगे का रास्ता। तो पानी थक गए भाई चलते चलते, रास्ता नहीं मिल रहा अभी, मुझे लग रहा पता नहीं कितनी दूर और चलना पड़ेगा रास्ता ढूंढने के लिए। लग रहा रास्ता मिल गया हमारे भाई लोगों को। ये भाई भी देखो थके हारे आ रहे हैं, क्या हाल हो गया भाई आने में? बहुत ज्यादा यार, काफी एडवांस। तो गाइस बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इतना आसान नहीं है वैसे इस जगह पर आना, लेकिन आप ब्लॉग को फॉलो कर करके आ सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने सारी चीज़ें शूट की हैं। अभी तो आगे का जो नज़ारा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो इतना चल करके इतने ऊपर पहुँचे हैं अभी। रियान भाई रुक जाओ, थक गए, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ किसी का पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ रहते हैं आप लोगों के लिए, हम चाहते हैं कुछ नया, तभी अब हम यहाँ आए हैं। आपको आगे देखिए और कुछ नया दिखाते हैं, अभी तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जिस चीज़ के लिए भी मजा आने वाला है, जितनी जिस चीज़ के लिए इतनी बेकार आ रही है सुस्ती हो रही है, अभी तो चलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग भी, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा हम आपको वीडियो और आगे की दिखाते हैं। जंगलों के बीच से निकल करके जाना, और मतलब सीन ऐसा है, हॉलीवुड की मूवियाँ देखी होंगी ना आपने, समझो बस ऐसे ही। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है भाई, मुझे लग रहा है गाइस आप देख सकते हैं कि कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये आप यहाँ देखोगे किसी तरह का आइलैंड होता है ना, वैसे ही है यहाँ, हर किसी का पॉसिबल नहीं है आना, पर आप आगे देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल से, और आगे हम आपको कुछ और अच्छा दिखाने वाले हैं। बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में कितनी दूर हो रहा है भाई, इन चोटियों पर से गुजर के जाना है अभी हमें। इधर खाई है, ज्यादा गहरी भी नहीं है, लेकिन गिरे तो काफी चोट आने वाली है।
आराम से। मुझे लगता भाई अगर हम कोई दोस्तों के साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई लेडीज़ को लाना चाहे तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए। हाँ, लेडीज़ को नहीं लाए बिल्कुल भी। लेडीज़ के मतलब का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आए यहाँ पर। अभी यहाँ फॉल है एक जो हम आपको दिखाने वाले हैं, अभी आपको देख कर उसमें अलग ही मज़ा आ जाएगा। भाई की हालत ख़राब हो चुकी है, मेरी भी बहुत बुरी हालत हो रही है फिलहाल, लेकिन व्लॉग भी शूट करना ही है। खतरनाक एकदम, हॉलीवुड की हॉरर मूवी में सीन नहीं देंगे ऐसा। लोकेशन इतना ऊपर से होता है। ले भाई आ जाओ, मतलब पहले से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। वाओ, मतलब बहुत फेमस जगह हो चुकी है। खतरनाक शूट। भाई कैसी जगह है, मजा आ रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी मेहनत करके हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। ये देखो पानी आ रहा है, और ये पानी कहाँ से आ रहा है वो भी देख सकते हैं आप। बहुत ही ऊंचाई से पानी गिर रहा है, दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। समथिंग 100-150 मीटर की हाइट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग भाई लोग मज़े ले रहे हैं। ये भाई लोग हमसे पहले के आए हैं और यहाँ पूरी मज़े ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। आप यहाँ अगर फॉल के नीचे आप नहा भी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ का। बस अभी हमें थोड़ा थक चुके हैं, थोड़ा सा अभी नहाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर आपको नहा के भी वीडियो शूट करके दिखाएंगे थोड़ी। और मेरे पीछे ये लोग पहले से ही पहुँच चुके थे, वीडियो बनाई है इन्होंने, इंजॉय किया है, नहाए हैं सब लोग, मस्ती करी है। तो अभी शायद ये लोग जा रहे हैं, सब ने मस्ती करी है, अभी हम भी मस्ती करने वाले हैं, अभी पहुँचे हैं। तो आगे की वीडियो में भी आपको शूट करके दिखाता हूँ। दिखाता हूँ इतनी मेहनत करके हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। ये देखो पानी आ रहा है, और ये पानी कहाँ से आ रहा है वो भी देख सकते हैं आप। बहुत ही ऊंचाई से पानी गिर रहा है, दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। समथिंग 100-150 मीटर की हाइट होगी यहाँ पर।